नागपंचमी के अवसर पर शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र में दर्शकों के लिए टिकट में 50% की छूट दी गई। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर वन मंत्री ने नागपंचमी के अवसर पर प्राणी उद्यान में दर्शकों के लिए 50% छूट देने का निर्देश दिया था, जिसका प्राणी उद्यान केंद्र ने पालन किया। नागपंचमी के अवसर पर 50% छूट मिलने के बाद भारी संख्या में दर्शक प्राणी उद्यान केंद्र पहुंचे और वहां पर बनाए गए सांप घर में नाग देवता का दर्शन किया। लोगों ने प्राणी उद्यान केंद्र में जानवरों के बाड़े के पास पहुंचकर शेर, चीता, सारस, हिरण, मगरमच्छ, भालू, बंदर सहित अन्य जानवरों को देखा और खूब मस्ती की। वहीं नागपंचमी पर छूट मिलने पर दर्शकों ने प्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान केंद्र के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह, प्राणी उद्यान घूमने आए दर्शकों ने कहा, Thank you.
वहाँ पे रख के वहाँ मछली खड़ा सब खाया था सब मछली नंद किशोर सिंह पंचमी में 50% ऑफर चल रहा है चिड़ियाघर में जी घूमना कैसा लगा आपको अच्छा लगा क्या क्या आपने देखा यहाँ पे मतलब सभी जानवर जो जो भी यहाँ पे हैं पूरा हमने देखा बच्चे भी साथ में हाँ जी कैसा लगा आपको क्या क्या देखा बस हिरन था गेंडा उंडा था लायन था टाइगर था मतलब जीव जंतु थे उन देखे हम लोग आज ऑफर भी चल रहा है क्या क्या कैसी योजना है सरकार की ठीक है अच्छी योजना है 50% डिस्काउंट है चंद्र प्रकाश आज 50% ऑफर चल रहा है नाग पंचमी हाँ कैसा लगा आपको अच्छा लगा क्या क्या देखा आपने चिड़ियाघर सभी जानवर देखा क्या क्या देखे अब क्या क्या बताएंगे सभी जानवर बहुत हैं इसमें कैसा बना चिड़ियाघर अच्छा है कौन कौन से जानवर देखे हैं हिरना बाघ चीता बाघ खरगोश खरगोश मछली और शेर शेर चीता मगरमच्छ मगरमच्छ भी कैसा लगा अच्छा लगा पहली बार आ गई पहली बार सिद्धि आता क्या घर घूमे क्या क्या देखे हो शेर चीता और लायन और मछली खरगोश और स्नेक कैसा लगा यहाँ पे अच्छा लगा पहली बार है कि दूसरी बार पहली बार फिर आओगे दोबारा देखने हाँ जे क्या क्या देखे हो मछली खरगोश चीता बंदर मगरमच्छ कैसा लगा यहाँ पे अच्छा फिर दोबारा आना देखने गौरव 50% ऑफर चला क्या लाभ मिला आपको हाँ काउंटर से हमें लाभ मिला है कैसी योजना है सरकार की अच्छी योजना है इसको और बड़े रूप से मतलब आगे मतलब इसका कार्यान्वयन करना चाहिए और आने वाले त्योहारी सीजन में और बढ़ चढ़ के इससे लोग आएंगे और इसको देख के यहाँ का भी जो रख रखाव है वो भी अच्छे से होगा और सबको इसका लाभ मिलेगा क्या क्या देखे हैं यहाँ पे सबसे पहले हिरन है बंदर है पक्षी मतलब पक्षी तोता है और फिर उसके बाद शेर है हमारे वन का जो राजा कहते हैं और फिर उसके बाद ये हिरन है आपके सामने कैसा लगा यहाँ पे मौसम भी अच्छा है और लोग भी हैं तो अच्छे लग रहा है सब कुछ दुर्गेश द्विवेदी 50% ऑफर चल रहा है यहाँ पे क्या लाभ मिला आपको हाँ लाभ मिला है 50 का बता रहे थे टिकट है वो 25 में दिए क्या क्या आप लोग देखा यहाँ पे देखे क्या अभी तो एक दो बाड़े बस अच्छे बने हैं बाकी तो सब में चिड़िया ही अभी भरी हुई हैं छोटे छोटे जीव जिस तरीके से जिस जगह पे है उस हिसाब से अभी जानवर है नहीं कि देखा जाए अभी क्या क्या यहाँ पे कई जानवर अभी भी हैं जैसे बाघ अभी बड़े जानवरों में बस एक बाघ मिला है देखने को बाकी तो अभी आगे के एरिया बाकी है देखते हैं क्या क्या है मैं डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह पशु चिकित्सा अधिकारी प्राणी उद्यान गोरखपुर सर आज नागपंचमी के अवसर पर जू में क्या सुविधाएं कुछ छूट भी दी जा रही है बताया जा रहा है हाँ हाँ हमारे उच्चाधिकारियों और माननीय मंत्री जी लोगों का निर्देश जो था कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता के दर्शन करने हेतु जो भी दर्शक आएंगे उनको जो हमारा एंट्री फीस है जो प्रवेश शुल्क है उसमें रियायत किया जाएगा और 50% डिस्काउंट रेट से सभी को टिकट दिया जाएगा तो उस निर्देश के क्रम में निदेशक महोदय के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हम सभी दर्शकों को जो भी प्राणी उद्यान घूमने आ रहे हैं आज के दिन उनको जो हमारा टिकट दर है बड़े लोगों के लिए 50 रुपया उसको 25 रुपये के दर से और जो छोटे बच्चों का है 25 रुपया उसको 12.5 रुपये के दर से दिया जा रहा है और सभी जो बहुत सारे दर्शक आज आ भी चुके हैं प्राणी उद्यान में और घूम भी रहे हैं सर लगभग यहाँ पे कौन कौन से जानवर हैं जो लोगों को लुभा रहे हैं नहीं अभी तो आज के लिए तो स्पेशल था हमारा सांप घर में बहुत सारे सांपों की प्रजातियां रखी गई हैं उसके अतिरिक्त प्राणी उद्यान में घूमने के लिए तो 6 हिरनों के बाड़े हैं जिसमें हिरन हैं जिसमें अलग अलग प्रजाति के हिरन रखे गए हैं लेपर्ड है टाइगर है लायन है स्लॉथ बियर है सबसे अट्रैक्टिव जानवर जो गेंडा है वो भी है एक यहाँ पे मगरमच्छ हैं घड़ियाल हैं और ऐसे ही पंछियों का बहुत 3 बाड़ा पंछियों का है जिसमें अनेकों प्रकार के पंछियों को रखा गया है ये हमारे यहाँ है जो दर्शक घूम सकते हैं